आप उम्र के पड़ाव में भी हो और लोगन पर जैसे कैसे होते कि जैसे उम्र बढ़त जाते तो दद्दू या इसी टाइप के, लेकिन आप लोग इसी टाइप के संबोधन नहीं करा, आज 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 भी आप जिन है युवा हो ऐसे ले जाते हैं आप लोग। युवा उम्र से नहीं होता, मन का उत्साह होना चाहिए, युवा सोच होना चाहिए और देश के प्रति समाज के प्रति दृष्टिकोण युवा होने चाहिए। हम पुरानी परंपराओं को छोड़कर इस बदलते हुए युग में जिन बदलाव होते वो बदलाव के अनुसार यदि हमारे सोच नहीं बदली तो फिर समाज में रिजेक्ट हो जाएगी। आज जो युवा सोचा थे, आज जो नई पीढ़ी सोचा थे और ये देश के बारे में उखर अपन कल्पना है और निश्चित रूप से वो कल्पना अच्छा कल्पना है, बेहतर कल्पना है, वो कल्पना के साथ जुड़े के काम हमला करे, काम हमला उखर आगे चले या पीछे चले की बात नहीं है, मगर विचार ला आगे बढ़ाए के काम है। तो मुझे मोला लगता है कि सोच यदि अच्छा रही और सोच में प्रोग्रेसिव सोच लेके हम काम करबो तो युवा पीढ़ी भी साथ में चले पर तैयार थे और आज कहीं भी पीढ़ी के कोई फ़र्क मोला महसूस नहीं हुए। मैं जहाँ भी जाता हूँ युवा मन से बहुत ज़्यादा और युवा के साथ साथ तरुण और बच्चा मन के साथ जो लगाव है, जो प्रेम है, आज सबसे ज़्यादा उखरे बीच मिलते और ये मुझे लगता है कि यही ताकत हमारे मन की ताकत है जी। खाएं आप क्या पसंद करते हो, आपके फेवरेट? शुद्ध शाकाहारी खाना है मोर एकदम, भाजी सब्जी जिमीकंद के सब्जी और टमाटर के चटनी, दार भात सबसे पसंद, दार भात और टमाटर की चटनी से बेहतर कोई दुनिया में कुछ नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं है। और घी अचार और दाल चावल मिल गए तो कुछ खाए की जरूरत नहीं है, दुनिया के कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपन आप में पर्याप्त भोजन है और ओखर से स्वादिष्ट आज तक कोई दूसरा डी सवन तो देखे नहीं है। मगर जिन मदर हमार माँ जी बनाते रही से माता जी ओखर बनाए हुए चीज़ निश्चित रूप से आज भी हमारे मन के जीवन के हिस्सा है और वो स्वाद अभी भी ख़त्म नहीं हुए। बिल्कुल सही कहा। कवर्धा में कोई नो ऐसे जगह के जिन चीज़ आप लोग बड़ा पसंद आते हो कोई होटल के? कवर्धा है, राजनांदगांव है, सब ये हमारे ऐसे होटल है कि ऐसी जगह है कि जहाँ के बचपन से लेकर आज तक के मेमोरी हमार याददाश्त थे। कवर्धा में महादेव हलवाई रही से होकर जलेबी आज तक हमारे मन के जवान में बसे हुए है। बहुत स्कूल के दौर में महादेव की हलवाई खाए, खैरागढ़ के सफ़ेद रसगुल्ला, राजनांदगांव जाओ तो मानव मंदिर के पोहा जलेबी, यानी ऐसी चीज़ है जिन आप जीवन में कहीं भी रहो मगर वो टेस्ट कभी ख़त्म नहीं हो सके। ये टेस्ट 10 साल बाद भी जाके खाओ तो वही टेस्ट लगते हैं। परिधान में आप क्या पसंद करते हैं? जैसे लोगन बताते हैं बड़ा स्टाइलिश हो, कोट वोट भी बड़ा अच्छा लगते हैं आपका और बाकी कपड़ा के बड़ा शौकीन रहे हो आप शुरू से? कपड़ा तो कॉलेज के जमाने की बात ही अलग रही से, वो समय के खून में सारी से गर्मी रही से तो वो समय के फैशन ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट और अलग अलग जैकेट और ये तो वो एक दौर जैसे जब आदमी अपन कॉलेज में शौक पूरा करते हैं। अब ये लाइफ में आए के बाद तो बहुत ही सादा और सिंपल सफ़ेद पैंट शर्ट और सफारी और कुर्ता पैजामा और जैकेट के सिवाय अब कोई दूसरा ड्रेस नहीं है, मगर कपड़ा पहनने में कोई भी मतलब परहेज नहीं है, सब प्रकार के बंद गले का कोट हो, सफारी हो, दूसरा चीज़ हो, तो मौके के अनुसार हर जगह कुछ कपड़ा पहनने में मौके के अनुसार पहनना चाहिए बस जी। आप अपना राजनीतिक गुरु काला मानते हो जिन अपना राजनीति में आए के श्रेष्ठ? एक्चुअल यदि ईमानदारी से मैं कल्पना करूँ तो दो व्यक्ति से प्रभावित होके मैं राजनीति के क्षेत्र में आया, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आंदोलन 75 73 74 75, जब गुजरात का आंदोलन, बिहार का आंदोलन और पूरा देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान माननीय जयप्रकाश नारायण ने किया और कांग्रेस के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ बन के उभर के आई, और दूसरा बड़े नेता हमारे जेकर वजह से राजनीति में हो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंकर योगदान से आप जो नहीं इंकर सोच, इंकर विचार, इंकर बात और वो दौर में जब अपन राजनीति की शुरुआत करते रहे तो ये दो बड़े व्यक्तित्व रहे से, एक हमारे जनसंघ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा हमारे जयप्रकाश नारायण के आपातकाल के विरोध, और एक 1942 से लेकर 75 तक के लगातार जो व्यक्ति
राजनीति से हट के समाज के लिए काम करे। जी, राजनीतिक मूल्य में भी बड़ा अंतर आई आपके दौर से अब तक यदि हम देखथन तो ओकर बारे में आपका क्या कहना है कि बड़ा आक्रामक हो जाते और भाषा भी कहूँ कहूँ अपन जन स्तर से नीचे जाते। राजनीति के दौर शालीनता से और हम राजनीति करत हुए देखे हैं, छत्तीसगढ़ में भी राजनीति करत देखे हैं, मध्य प्रदेश में भी राजनीति के उतार चढ़ाव देखे, मोतीलाल वोरा देखे, श्यामाचरण शुक्ला जिला हमन राजनीति करत देखे, सुंदरलाल पटवा जिला राजनीति करा देखे, जोशी जिला राजनीति करत हुए देखे हैं, कांग्रेस के भी बहुत नेता मन के साथ संपर्क हुई से और माननीय प्रणव मुखर्जी के साथ मुख्य प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी और बाकी लोगों के भी, तो ये एक राजनीति के चरित्र है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरित्र है, जो आडवाणी जी के चरित्र है, राजनीति में पक्ष विपक्ष से भूल के एक सामान्य तरीके से जीवन ला जीना और हाउस के अंदर एक भूमिका और हाउस के बाहर भूमिका। आपके ब्याह कौन से साल में हुई? ब्याह हुए 40 साल हो गए जी, 40 साल अभी ये साल 40 साल हम मनाए न अपन शादी के। हाँ। और 40 साल पूरा होए के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक चला था। आपके हर जगह साथ रहीन हुआ, चाहे आप कहूँ भी जैन भी आप काम करे, धर्मपत्नी के बड़ा साथ मिली साहब ला बीना के पूरा 100% सहयोग समर्थन। चुनाव जीते या मुख्यमंत्री बने के बाद नहीं, संघर्ष में भी पार्षद और पहले की जनता और रही से, चुनाव हारे के बाद जो दौड़ रही से हमेशा 24 घंटा बीना के पूरा सहयोग समर्थन मिले हैं और पूरा मजबूती के साथ हर मामला में वो खड़े होकर साथ दिए हैं और कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, राजनीतिक ABCD। 15 साल मुख्यमंत्री में रहे हूँ, कभी विधानसभा नहीं दिखे हो, कभी मोर बजट भाषण नहीं सुने, 5 साल में केंद्रीय मंत्री रहे हूँ, कभी लोकसभा के अंदर नहीं घुसे, तो इतना राजनीति से अलग रह के जीवन चलाना कि कभी विधानसभा आज तक उधर दरवाज़ा में नहीं गए हैं, तो ये प्रकार से जीवन जीना भी कठिन है। मरोला कोई राजनीति से मतलब नहीं, यह है कि हाँ डॉक्टर रमन की चिंता हमेशा 24 घंटा करना है। जी, आप बहुत अच्छा बात बताए, बहुत सारे स्मृति से जुड़े बात आप बताए। अंतिम में मैं आपसे चाहूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ला आप एक संदेश दो जिससे छत्तीसगढ़ आगू बढ़े, प्रगति करे, उन्नति करे। हमारे छत्तीसगढ़ आगू तो बढ़ी बढ़े की पूरा संभावना है, छत्तीसगढ़ की जनता के जिन आशीर्वाद और ख़ास तौर से डॉक्टर रमन ला मिले हैं 15 साल, वो अपने आप में ऐतिहासिक रहे और मोर पूरा राजनीतिक जीवन में जितका भी सफलता मिले है, जितका भी ऊँचाई तक पहुँचे हों, वो छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद की वजह से है, उनका सहयोग प्रेम की वजह से है और यही आशीर्वाद यही प्रेम बने रहे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ की सेवा करना है। अभी हमारी भूमिका विपक्ष में है तो निश्चित रूप से एक विपक्ष में भी मजबूती के साथ जनता की आवाज़ बन के, जनता की समस्या, जनता का पीड़ा, जनता की बात लेके विधानसभा में बात रखे कि हमारे उनके प्रयास रहे और निश्चित रूप से आने वाला कल बेहतर है। छत्तीसगढ़ के विकास ला दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सके। छत्तीसगढ़ की जनता ला मैं यही कहना चाहूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर रमन आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मूल्य समय आप हमला दिया।